ये किडनैपर दो दो बच्चों को किडनैप करके भाग रहे थे लोगों के सामने, इतना बड़ा हैवान है। सो तुम्हें अभी बताती हूँ। मैंने तुमसे ऐसे अजनबी के साथ बात नहीं किया करती, उनके साथ नहीं जाया करती, वो तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर वो तुम्हें आज किडनैप करके ले जाती तो मैं तुम्हें कहाँ से लाती? वो किडनैपर अंकल नहीं थे, वो सरगम के मामा थे। क्या? मामा प्लीज उठो ना, मामा प्लीज। तुम जानते हो इस लड़की को? हाँ, क्योंकि वो मिस क्लास में पढ़ती है और वो उसके मामा थे और वो लेकर नहीं जाए थे, आपके पास ला रहे थे। मम्मा प्लीज उठो ना, मम्मा प्लीज। और मैंने इनके सर पर नारियल मार दिया, फिर बाकी बहन जी अब जाकर इन्हें सॉरी बोल कर आती हूँ। चलो माँ जाने दो, मैं इसे निकल जाती हूँ तो फिर ये सब मिलके हमें कुटाई कर देंगे। मानन, ऐसे किसी को ऐसे चोट पहुंचाकर भाग जाना बैड मैनर्स होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब हमने गलती की है, नारियल मारा है, तो जाके हमें भी सॉरी बोलना चाहिए ना। चलो जाके एक बार सॉरी बोल कर आते हैं। हाँ, सॉरी बोलने के लिए इंसान को होश में तो होना चाहिए ना। अरे पहले होश में लाते हैं फिर सॉरी बोल देते हैं, गलती की है तो अभी हेल्प भी तो करनी ही होगी ना उनकी। चलो ये क्या हो? किसने किया बेटा? आंखें खोलो अपनी। आपने से किसने देखा क्या?